असलम जी क्या हाल चाल है आप सबके आई होप कि आप सब बिल्कुल खेरियत से होंगे सो वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल सो so, आज की वीडियो में आपके साथ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ सुबह से लेकर दोपहर तक का जो भी टाइम होता है किस तरह से मैनेज किया जाता है और बच्चों के साथ किस तरह से काम किए जा रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से ये वाली जो रूटीन होती है ना थोड़ी सी ये हर घर में थोड़ी सी मतलब सेम ही होती है क्योंकि सुबह के टाइम सारे काम चल रहे होते हैं किचन के घर के फिर बच्चों को भी साथ साथ देखना तो बस सारे काम जो है ना वो एक साथ सुबह के टाइम चल रहे होते हैं और बड़ी मोटिवेटेड सी रूटीन है जो आपके साथ शेयर करूँगी इन तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना तो यहाँ पर मैं पहले रेसिपी बता देती हूँ आपको मैं यहाँ पे बना रही थी स्टीम एग और ये नाश्ते में इतने मज़े के लगते हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप लोग जरूर ट्राई करना पहले मैंने प्याज चॉप कर लिए थे टमाटर भी चॉप कर लिए थे प्याज को मैंने हल्का सा जो है वो ऑयल में सौते कर लिया था बिल्कुल आपने ब्राउन नहीं करना बस बस इसको सॉफ्ट करना उसके बाद में इसमें टमाटर डाल दिए टमाटर के साथ में सारे स्पाइस भी ऐड कर दिए थे जिसमें था धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड की थी वो बड़ी मज़े की टेस्ट देती है तो बस वो मैंने डाला और थोड़ा सा उसमें मैंने भूनने के लिए रख दिए थोड़ा सा पानी डाल तक के जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए दूसरी साइड पर ना मैंने जो है साथ में मलाई जो होती ना सेपरेट कर ली थी जो भी दूध आता है ना हमारे घर में मैं नेक्स्ट डे सुबह के टाइम ना उसमें से जो मलाई होती है ना वो सेपरेट कर लेती हूँ अगर आप रात को बॉयल करते हो ना दूध तो सुबह तक उसकी मलाई बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है मतलब एक थिक सी लेयर उसकी ना मतलब बन जाती है तो वो फिर काफ़ी मतलब जो इतनी थिक सी होती है ना मलाई वो काफ़ी अच्छा फिर देसी घी बनाती है तो फिर जरूरी होता है कि आप रात को जिस टाइम करें बॉइल करेंलाइस की सेपरेट ना कर उसको आप रख दें थोड़े दिन के लिए या थोड़े घंटों के लिए आप उसको फ्रिज में रख दें और उसके बाद उसकी जो बलाई है ना वो आप सेपरेट कर लो तो बड़ा अच्छा घी निकलता है तो बस मैं रोज सुबह जो है वो सेपरेट कर लेती हूँ और बस उसके बाद जो अपने नाश्ते की तैयारी करी आप लोगों ने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आ रही तो जरूर इसको लाइक करना और कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दिया करें अच्छा आज की वीडियो मैंने सोचा था कि आपके साथ ना कोई ना कोई टॉपिक जरूर शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मेरे साथ की जी डेली व्लाग्स है जो है वो शेयर करें तो इन शाला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डेली ही वीडियो की अपलोड करूँ और जाहिर सी बात है फिर डेली की रूटीन में कुछ ना कुछ काम जो चलते रहते हैं वही शेयर करूँगी लेकिन उसके साथ साथ मैंने सोचा आपके साथ कुई ना कोई ना कोई एक टॉपिक भी जरूर शेयर करूँ कोई एक अच्छी बात कुछ भी अगर आप लोग कोई शेयर करना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना तो हम सब फिर जो है ना उसको मैं वीडियो में शेयर कर दूँगी सबके सामने अच्छा जी तो यहाँ पर ना फिर जो एग थे ना वो आ, मैंने उसमें डाल दिए थे मसाले में क्योंकि जो मसाला था बिल्कुल वो सॉफ्ट हो गया था ऑयल सपरेट होने लगा था तो उसको मैंने थोड़ा सा स्पेस बना के वहाँ पर और मैंने तीन एग्स लिए थे और मसाले के दरान में आपने थोड़ा सा स्पेस बना के उसमें एग डाल देने और बिल्कुल उसको मिक्स नहीं करना आपने या फिर एग के ऊपर अभी कुछ डालने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने डाला तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और बस उसको आपने कवर करके रख देना कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना ये इतनी ही स्टीम में जो है ना एग जो है वो बड़े मजे के पक जाते हैं और अभी आपको ना वीडियो में वॉइस ओवर के पीछे थे ना थोड़ी सी अब वर्कर की आवाज आ रही होगी उसका गला नहीं ठीक है गला खराब हुआ हुआ तो थो थो थोड़ी सी ना आपको आवाज उसकी ऐसी लग रही होगी आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए उस्मान का भी गला नहीं ठीक है वो भी जल्दी से ठीक हो जाए बस और शायद ही मौसम ही ऐसा कि बच्चे ना बस गले वगैरह उनके ख़राब हो जाते हैं ठंड लग जाती है तो बस तरह तरह से बच्चों को सेहत दे और जो बीमार है उनको जल्द सेहत और तंधु से ताफ़रमाए तो जी बस यहाँ पर नाश्ता बन रहा था जिसने जो खाना था मतलब पराठा या फिर मतलब सादी रोटी जिसने जो खाना है उसके हिसाब से बन रहा था और बस यहाँ पर जैसे जैसे मतलब रोटी बन जाती है ना तो मैं फ़ौर से साफ़ भी कर लेती हूँ काउंटर टॉप और स्टोव भी क्लीन कर लेती हूँ लेकिन वही होता ना कि आपने जो होता है ना साथ वाले चूल्हे पे साथ साथ जो भी काम होता है मतलब अगर मुझे कोई एग बनाना है या फिर मुझे चाय रखनी है वो काम तो मैंने पहले शुरू कर दी होती है लेकिन सबके साथ साथ मैं रोटी बनाना शुरू कर दी थी तो क्योंकि जब तक रोटी बनती है तो जो साइड वाला चूल्हे ना उसके ऊपर बाकी सारे काम हो जाते हैं चाय बन जाती है कुछ मुझे ऑमलेट वगैरह या फिर जैसे आज मुझे स्टीम एग बनाने थे या कभी मुझे कोई सालन गर्म करना हो तो इस तरह से फिर वो सारा जो है ना काम हो रहा होता है और एक साइड पर जैसे ये वाला काम हो जाए तो मैं काउंटर टॉप को भी साथ साथ जो है ना वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ वरना फिर अगर एक दफा बाहर चले जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है कि दोबारा जब ताकि आपको मतलब करना पड़ेगा ना काम तो फिर वो नई सिरे से आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है तो बस मैं साथ ही साथ ना फ़ौरन से उसको क्लीन कर देती ऑलमोस्ट फाइव मिनट्स के बाद देखें ये बिल्कुल जो एग है ना कुक हो चुके हैं जो मसाला था वो तो बिल्कुल ऑलरेडी कुक था और जो एग है ये देखें मैं स्पैचुला से टच भी कर रही हूँ ना तो ये आपको दिखा रही थी कि बिल्कुल ये हार्ड है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहते हैं तो जो लोग जाते हैं ना कि एग जो है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में ना रहें और मतलब कच्चे पक्के से ना रहें नहीं खाए जाते मुझे भी नहीं खाए जाते तो बिल्कुल ऐसा नहीं ये बिल्कुल स्टीम में बहुत अच्छे बिल्कुल फुली डन हो जाते हैं और बस ये बिल्कुल हम पक चुके थे बस मैंने ना दो पे डाला था कुटी लाल मिर्च और साथ में सॉल्ट और तीसरे वाले एग पर ना मैंने नहीं था डाला ताकि जो है ना वो समान भी आराम से खा लें तो जी बस यहाँ पर चाय भी बन गई हुई और मुझे किसी ने कहा था जी कि बकर को आप लास्ट में दिखा दिया करें दूसरी हर दूसरी वीडियो में तो जी थोड़ा बहुत आपको दिखाती ही हूँ लेकिन इन शाला अब बकर जब थ्री मंथ्स का हो चुका ना तो आपके साथ इन फिर उसको भी शेयर किया करूँगी और फिर आप लोग उसको भी देख लीजिएगा ठीक है तो बस यहाँ पर जी फिर काफ़ी टाइम बाद वो उठ गया था क्योंकि उस टाइम पर सुबह के टाइम पर यह होता है कि फिर नाश्ते वगैरह से फारिग होकर हस्बैंड तो चले जाते हैं छोटी भी दोबारा जाके सो जाती हैं और फिर जो मैं ना वो फिर एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ इस टाइम पे ना घर में बच्चे भी सो रहे होते हैं तो फिर मुझे ये होता है ऐसा नहीं कि मैं वॉइस ओवर वगैरह आराम से कर लेती हूँ घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होता और सुबह सुबह ना मतलब बाहर से भी इतना शोर नहीं आ रहा होता तो बस फिर यहाँ पे तकरीबन कोई अगर मुझे स्पेशल काम करना भी हो ना उस दिन तो मैं वो भी फिर सुबह के टाइम नहीं करती ताकि जो है ना वो शोर ना और बच्चे ना उठ जाएँ तो फिर बस वो होते हैं तो मैं इस टाइम पर सिर्फ ज़्यादातर वीडियो का ही काम कर लेती हूँ और बस इसके अलावा कुछ नहीं कपड़े वगैरह आयरन करने तो वो कर लूँगी वरना इसके अलावा ऐसा काम नहीं करती जो कि जिससे शोर हो तो चीज़ उसके बाद फिर बस यहाँ पे उस्मान उठ गया हुआ था उस्मान को मैंने नाश्ता बना के दिया सम टाइम्स उसकी रोटी वगैरह जो होती है मैं बना लेती हूँ क्योंकि बाद में उसकी गेस्ट होती है वो चली जाती है और फिर वो बहुत लेट आती है तो फिर इसीलिए मैं उसका बना लेती हूँ सम टाइम्स नहीं बनाया होता तो फिर सिलेंडर बना लेती ती हूँ और फिर बस ऊस्मान को नाश्ता दे रही थी तो बस अब बकर भी उठ ही गया था बस तो उसको मैंने वाले बना के आ गई थी ताकि वो आराम से खुद खा ले और बस मैं अब वकर के पास आई उसके कपड़े चेंज कर रही थी तो उसमान मुझे ला ला के उसके सारे कपड़े निकाल के दे रहा था और मैंने कपड़े निकाले हुए थे कि मैं उसके ना आज सारे ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी अब बकर के लेकिन काफ़ी टाइम से ना मतलब वो बस एक दूसरे के ऊपर रखी जा रही थी मैं तो बस काफ़ी मतलब ढेर लग गया था और मुझे ऑर्गेनाइज़ करने थे तो उस्मान मुझे ला ला के सारे कपड़े दे रहा था और बस उसने इकट्ठे कर लिए थे सारे कपड़े बस उसके बाद मैंने वो को सुलाया और इस टाइम पर ना काफ़ी मतलब ये जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे लेकिन अभी मैं इनको नहीं करूँगी उस समान को मैंने रेडी करना है और उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना था तो फिर ये है कि जब उसके बाद मैं फ्री हूँगी ना क्योंकि उस टाइम पर भी जब बारह बजे गैस आती है हमारे घर में तो वो भी तकरीबन दो पौने दो बजे जो है ना वो सूई गैस फिर से दोबारा बंद हो जाती है तो मुझे बस ये डेढ़ दो घंटे में खाना भी रेडी करना होता है तो फिर इस टाइम वे हेल्पर भी आ जाती है तो थोड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि अगर बाद में बकर उठ भी जाए बीच में और अगर नहीं बल्कि वो बीच में लास्ट में उठ जाता है अभी भी के वो दो तीन दफ़ा आज उठ गया था लेकिन वही बात हुई कि फिर गैस चली गई और हमें बाकी का काम जो सिलेंडर पे करना पड़ा था लेकिन खैर ये रोज़ की रूटीन होगी भी है और बस खाना टाइम पे फिर बन ही गया था तो बस यहाँ पे जी आज मैं बना रही थी फ्राइड राइस और उसके साथ में मुझे चिकन मंचूरियन भी बनाना था और मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो मंचूरियन साथ लाद में बनाती हूँ और वो अच्छा भी लगता है लेकिन वही बात है कि इतने शॉर्ट टाइम में आप इतना काम नहीं कर सकते तो फिर बस आपको पता है चाइनीज़ खानों में वैसे भी ना बिल्कुल लाइट से होते हैं हल्के से होते हैं और लाइट से मतलब स्पाइसेस होते हैं इसके अंदर लेकिन फिर भी इनमें जो कटिंग चॉपिंग का काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है तो बस फिर मैंने ज़्यादा काम नहीं था कि यह मंचूरियन नहीं था बनाया मैंने सिर्फ ऐसे फ्राइड राइस बना ली थी और लेकिन फ्राइड राइस में ना मैंने जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं जो मतलब उसका जो मसाला होता है ना उसकी मैंने क्वानटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी ताकि फ्राइड राइस मतलब वैसे भी आराम से खाए जाएँ मंचूरियन की ज़रूरत ना पड़े तो बस यहाँ पर जी फिर मैंने सबसे पहले जो है वो लहसन को सोते प्याज उसमें डाला है और साथ ही चिकन डाल के उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी सोया सॉस मैंने ऐड किया विनेगर ताकि उसमें अच्छा सा जो है ना वो मजायका आ जाए और जो उसकी रॉस स्मेल थी है ना वो निकल जाए तो खाना तो पक रहा है और उसके साथ साथ मैं आज के टॉपिक में शेयर कर लेती हूँ तो जी आज का मैंने टॉपिक डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को ना कॉपी करने में लगे होते हैं तो कॉपी इन सेंस में ये नहीं कह रही कि मतलब आप हाँ लोग मतलब कोई किस किस्म का है या उसकी नेचर कैसी है तो उस तरह का बनने की कोशिश करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर हम लोग मटेरियलिस्टिक होने की बात करें किसी के पास कोई चीज़ आ गई है किसी ने कैसा पहना है कोई कैसा खा रहा है किसी ने कोई नई चीज़ ले ली तो हम उसमें फ़ौर से लग जाते हैं कि ये चीज़ तो हमारे पास भी होनी चाहिए उसने ये पहना है तो ये तो हमारे पास भी होना चाहिए या फिर समटाइम्स कॉपी के अलावा हम लोग ये कहते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छा हमारे पास होना चाहिए आई डोंट नो लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इस चीज़ को ना नाशुग्री भी हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना जो अल्लाह ने हमें, हमें खुद मतलब हमारे लिए जो रखी है और जो हमारे पास जो हमारे पास है हमारी अपनी हम उसको भूल जाते हैं और दूसरों को देख देख के हम अपनी चीज़ों की कदर करते ही नहीं और इस ना शुक्रिया के आलम में ना हम लोग अपना आप भूल जाते हैं हम लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी चीज़ों से प्रोवाइड किया है उसने हमें कितनी नियमतें दी हैं उसने हमें जो दिया ना वो सबसे अच्छा दिया है और हर एक को जो नवाजा है ना वो उसके हिसाब से और उसकी खैर के लिए नवाज़ा गया है तो हम उन उससे फ़ायदा उठाने के बजाय उसका शुक्र अदा करने के बजाय हम दूसरों के उसमें लग जाते हैं कि उसके पास ये है तो हमारे पास क्यों नहीं है और अगर वो मतलब उसकी एक मतलब जो रोज की डेली की रूटीन होती है ना कि अगर वो वहां गया है तो हमारे हम, हम क्यों नहीं गए या फिर उसने वो खाया तो हमने क्यों नहीं खाया या उसके घर में ऐसे है तो हमारे घर में ऐसे क्यों नहीं है या फिर छोटी शुट छोटी चीज़ें अगर हम बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स भी इनफैक्ट मैंने बहुत दफा देखा है कि बच्चों को ना कंपेरिजन में लेते हैं कि फ़लाँ के बच्चे जो है उन्होंने इतने अच्छे ग्रेड्स दिए फ़लाँ के बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं फ़लाँ के बच्चे जो हैं वो मतलब इतनी अच्छी उनकी वो नेचर है और वो ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं बड़े तमीज़ आ रहे हैं तुम लोग ऐसे हो तुम लोग ऐसे हो मतलब अपने बच्चों को डिग्रेड कर करके ना मतलब उनका कुछ नहीं उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म कर देते हैं और फिर आगे चल के ऐसे बच्चे कुछ कर भी नहीं पाते हैं तो मुझे लगता है कि जो कॉपी करने की रेस है ना ये यहीं भी रुक जानी चाहिए और जो आपके पास जो है ना चलो तला ने आपको दिया है उसी को अगर आप अच्छे से मतलब पॉलिश करो और अपने आप को और अच्छा बनाओ और कोई चीज़ अगर आपने पहनी है कोई चीज़ अगर आपने लेनी है ओढ़नी है उसको जितना अच्छा आप कैरी कर सकते हो ना कोई और नहीं कर सकता तो अल्लाह तौर अगर आपको कोई चीज़ सीए उसको इतना अच्छा कैरी करो कि वो आपके ऊपर ही सबसे ज़्यादा सूट करे किसी के ऊपर इतना ज़्यादा उससे ज़्यादा अच्छा वो सूट ही ना करे तो बस फिर ये है कि जो आपके पास है ना चीज़ें जो आपको अल्लाह ताली ने चीज़ें उससे नवाजा जो नीमतों से नवाजा है उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग आगे ना बढ़ें और चीज़ों की मतलब चाहना हो किसी को अंदर मतलब आगे, आगे कोई तरक्की ना करे कि हाँ ठीक है आगे बढ़ना भी चाहिए चीज़ें खरीदनी चाहिए और बच्चों को भी ज़ाहिर से बात मोटिवेट करना चाहिए लेकिन फिर भी एक तो कॉपी करना और कंपेयर करना ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा मतलब ख़त्म हो जानी चाहिए बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए तो जो जो मतलब जिन घरों में भी इस तरह की चीज़ें अभी भी हो रही है ना तो प्लीज़ आप लोग ये सब खत्म कर देना ताकि अल्लाह अल बस क्योंकि वही पाता है हम लोग ना शुक्री कहते हैं कि हम लोग नहीं करते लेकिन जो हम ये वाली चीज़ें करते हैं जब कॉपी करते हैं किसी और को या हम लोग कंपेयर करते हैं किसी और चीज़ से तो वो ना शुक्री के आलम में ही आ जाता है तो फिर बेहतर है कि आप लोग बेशक उसको वर्ल्डली बेशक शुक्र अदा नहीं कर रहे हो लेकिन एटलीस्ट ऐसे काम करो किल्ल तला का शुक्र अदा वैसे ही हो जाए तो जी बस यहाँ पे बातें बातों बाते। में जो है हमारा खाना भी रेडी हो गया हुआ था और इस टाइम पर जब मैं जो जो बना रही थी तो साथ साथ वो बकर यहाँ पर कोई दो तीन दफ़ा उड़ गया था लेकिन यह था कि हेल्पर साथ लगी हुई थी किचन में बर्तन वगैरह धो रही थी ना तो मैं उनको बार बार पीछे से बताई जा रही थी कि आप ये कर लें ये कर लें अच्छा आज ना मैंने साथ में स्क्रैम्बल एग भी बनाया था साथ में मैंने फ्राइज भी बनाए थे और वो मैंने सेपरेट ऑयल में फ्राई किया था ताकि जो है ना मैं दम के टाइम पे लगा दूँगी बस यहाँ पे खाना रेडी हो गया था ऑलमोस्ट और बस यहाँ पे मैंने दम पे लगा दिए फ्राइज़ ऊपर से डाल दिए और थोड़ा सा ना मैंने राइस जो है वो सेपरेट एड कर लिया था जिसमें मैंने स्पाइसिस नहीं थी ऐड की जैसे कि ब्लैक पेपर वाइट पेपर और चिली सॉस तो वो मैंने छोटी मी के लिए सेपरेट किया था दम पे लगा दिया क्योंकि इस टाइम पे गैस चली गई है तो मैंने फिर जो है ना वो गैस सिलेंडर निकाल लिया था लेकिन आज जो है ना मैंने राइस में बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं थी डाली तो छोटी मैंने जब वो टेस्ट किया ना तो उनको अच्छा लग रहा था उनसे खाया गया था अलग तरह का शुगर है तो फिर ये है कि मैंने फिर बाकी जो राइस थे ना जो बिल्कुल मैंने प्लेन रखे थे जिसमें कोई स्पाइस नहीं ऐड किए तो फिर मैंने वो भी बाद में मिक्सी कर दिए थे उसमें थोड़ा सा मैंने और ब्लैक पेपर वाइट पेपर और इसके अलावा चिली सॉस ऐड कर लिया था अच्छा कुछ लोग इसमें लाल मिर्च भी डालते हैं इसके अलावा कुड़ी लाल मिर्च भी डालते हैं आप लोगों के स्पाइसिस के अकॉर्डिंग है लोग जो लोग मिर्ची ज़्यादा खाते हैं ना तो वो डाल सकते हैं अपने अपने फ्लेवर के हिसाब से तो यहाँ पे जी बस दम के बाद चावल जो बिल्कुल रेडी हो चुके हुए थे और ये देखिए अब मैंने थोड़ा मसाला जो था ना वो ज़्यादा ही रखा था ताकि जो फ्राइड राइस है ना वो मतलब अकेले भी खाए जाएँ क्योंकि मंचूरियन मैंने बनाया नहीं था और बस यहाँ पर जब मैं रूम में आई हूँ तो ऊबकर फिर से उठा हुआ था और यहाँ पर उसमान उसको एक किसम का चुप करवा आ रहा था खैर वो चुप तो नहीं था और लेकिन फिर बस को मैंने दोबारा सुनाया और फिर मैंने खुद खाना खाया तो बस यहीं तक कि मेरी आज की वीडियो और आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो भी अच्छा लगा होगा इस टॉपिक के बारे में ना आपकी क्या राय है और आपका क्या ओपिनियन है तो मुझे ना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम को जाकर जरूर फॉलो किया करें और अगर आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और बस यहाँ पे मैं खाना खाऊंगी और आप लोग भी जो है ना मुझे कमेंट के जरूर बताना कि आप लोगों को राइस कैसे लगे और आप लोग भी ट्राई करके मुझे जरूर बताना कैसे बने तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़